बॉलीवुड अदाकारा माही गिल ने किया बड़ा खुलासा कि वो लंबे समय से रिलेशनशिप में है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके 3 साल की एक बेटी है वेरोनिका। शादी को लेकर माही का कहना है कि शादी करने और नहीं करने से उनके रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें आज़ादी और स्पेस की जरूरत है। बॉलीवुड को अलविदा कहने के बाद ज़ायरा वसीम ने अपनी आखिरी फिल्म द स्काई इज पिंक से नाता तोड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ायरा ने मेकर से रिक्वेस्ट की है कि वो द स्काई इज पिंक के किसी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज और इवेंट्स में शामिल नहीं होना चाहती। ज़ायरा वसीम के बॉलीवुड छोड़ने को लेकर आलिया भट्ट की माँ सोनी राजदान ने दिया बयान। सोनी राजदान ने कहा कि अल्लाह चाहेगा कि तुम वो करो जो तुम्हें पसंद है। मालूम हो कि ज़ायरा ने ये कहते हुए बॉलीवुड को अलविदा कह दिया कि वो अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहती है। सोनी राजदान ने ट्वीट में लिखा, मैं उम्मीद करूंगी कि वो इतनी समझदार हो जाए कि इस बात को समझ पाए कि आपको वो करना चाहिए जो आपको पसंद है। अल्लाह आपसे यही चाहता है। एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चांडेल ने भी ज़ायरा वसीम के फैसले का सपोर्ट किया है। रंगोली ने ट्विटर के जरिए लोगों से अपील की है कि वो उन्हें ट्रोल ना करे बल्कि सपोर्ट करे, उनके मन में चल रहे कन्फ्यूजन्स को समझे ना कि उनके फैसले का अनादर करे। बॉटल के साथ करतब करते हुए अक्षय कुमार का ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर खूब देखा गया, बॉटल कैप चैलेंज। इस चैलेंज में अक्षय को गोल घूमते हुए सामने रखी बोतल के ढक्कन को खोलकर हटाते हुए देखा जा सकता है। हॉलीवुड के बाद अब बॉलीवुड में अक्षय कुमार ने इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए एक हैरतअंगेज वीडियो शेयर किया है। कंगना रनौत ने 2 जुलाई को मुंबई में किया अपनी अपकमिंग मूवी जजमेंटल है क्या का ट्रेलर लॉन्च। यहां उन्होंने फिल्म की टैगलाइन ट्रस्ट नो वन को लेकर एक सवाल का जवाब दिया। आपका ट्रस्ट किसने तोड़ा है और अब अपने ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए आप क्या करती हैं? अबाउट ट्रस्ट, यस, एज अ यंग वुमन और एज अ यंग मैन यू वुड गो थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एट फ्रॉम द एज ऑफ 16। जैसे आप अपने मम्मी पापा के घर से निकलते हैं, यू फील कि ये तो बिल्कुल ही एकदम इज अनसेटलिंग। सो यू गो थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस एंड टू कीप द एबिलिटी टू कंटिन्यू टू ट्रस्ट पीपल इज वेरी हेल्थी। जजमेंटल है क्या के ट्रेलर लॉन्च पर कंगना ने फिल्म का ओरिजिनल टाइटल मेंटल है क्या के बदलाव को लेकर सलमान खान की फिल्म किक का एग्जांपल दिया। जबकि जो किक है उसका साउथ टाइटल, जो किक फिल्म है सलमान जी की, उसका साउथ टाइटल ही मेंटल है। पर हमारे सामने ये तथ्य रखे गए कि पिछले ही साल से, अभी अमूमन अभी आजकल ये बैन हो गया है वर्ड, मतलब अभी कुछ पिछले कुछ वीक्स पहले ये बैन हो गया है। और हमको पेशी के बाद पेशी, जबकि सेंसर ने हमारा बहुत सहयोग दिया, और जो साइकाइट्री एसोसिएशन है वो कह रहे थे कि आप हमारे साथ कोर्ट में लड़ लीजिए और हम आपको दिखा देंगे कि ये वर्ड एक्चुअल में कुछ हफ्तों पहले बैन हो चुका है। नहीं भूल पाएंगी कंगना रनौत एक्स लवर ऋतिक रोशन को, क्योंकि उन्होंने लॉन्च के बाद एक रिपोर्टर को बताया कि उनके कपड़े ऋतिक के साथ आई फिल्म क्रिश 3 से इंस्पायर्ड है। अभी तक ये लोग आलिया भट्ट जल्द ही अपना म्यूजिक वीडियो लॉन्च कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आलिया एक्टिंग से हटकर अलग अलग चीजों में काम करने की चाह रखती है। हाल ही में उन्होंने अपना खुद का YouTube चैनल लॉन्च किया और अब खबरें हैं कि वो खुद का एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज करेंगी। रवीना टंडन ने किया था ज़ायरा वसीम को स्लैम, अब इसी स्टेटमेंट को वापस लेना चाहती है रवीना। एक मशहूर न्यूज चैनल के अनुसार ज़ायरा को बॉलीवुड छोड़ने पर फोर्स किया गया है, तो रवीना का कहना है कि अगर ये न्यूज सच है तो उन्हें अपने ट्वीट पर रिग्रेट फील होता है और कि वो ज़ायरा के साथ है।